वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में स्टूडेंट रैंकिंग रिकॉर्ड बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में सेल्स रैंकिंग। सेल्स रैंकिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और आप यहाँ पर उनकी जो है रैंकिंग मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उन सेल्समैन के नेम होंगे, उनका पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो चलते हैं उसको स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने एक इनिशियली एक छोटा सा एक डाटा बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर आपको ताकि क्लियर समझ में आ जाए, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सीरियल होंगे और आईडीज़ होंगी, सेल्समैन के नेम होंगे और उनके अमाउंट होंगे, ग्रेड एंड रैंक। अब सीरियल नंबर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे हम ऐड करते हैं 1, 2 और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं तो 10 का जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। आईडीज़ के लिए आप कोई भी आईडी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आईडी ऐड कर दी F1 और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ड्रैग। तो कोई भी आईडीज़ किसी तरह की भी नंबर्स और आप इसमें ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्समैन के नेम। अब सेल्समैन के नेम कैसे लिखेंगे आप, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आप जो नाम लिखना चाहते हैं इसमें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम हम्माद, आमिर, काशिफ, फहीम, ताहा, बिलाल, और सेकंड लास्ट वन हम इसमें ऐड कर लेते हैं उस्मान, और लास्ट वन जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर वक्कास। तो ये फ़िलहाल जो है मैंने कुछ जो नेम्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर लिए। तो आप अपने हिसाब से जो आपको नेम यहाँ पर समझ में आप ऐड कर सकते हैं। तो नेम की और आईडीज़ की और सेल नंबर कोई इसकी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें रिकॉर्ड बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इन शॉर्ट रिकॉर्ड बनाने का मकसद ये होता है ताकि जो हर चीज़ होगी वो आपके सामने क्लियर हो जाए और बिल्कुल शॉर्ट वे में आपके सामने पूरी स्क्रीन पर नज़र भी आए। अब बात करेंगे यहाँ पर अमाउंट। अब यहाँ अमाउंट भी हम सैंपल के तौर पे ऐड करेंगे कि कौन सा टारगेट सेल्समैन कितना टारगेट कर रहा, तो उसकी अमाउंट क्या बन रही है। तो वो अमाउंट जो है वो हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा जो सेल्समैन उसने टारगेट यहाँ अचीव किया होगा उसकी अमाउंट कितनी है, तो हम इधर ऐड कर देंगे 6000। फिर ऐड करेंगे यहाँ पर 8500 और फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 9000 और फिर हम यहाँ ऐड कर देंगे 4000। फिर इसके बाद ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 2500 एंड 7500 और इसको हम दे देते हैं 3000 और फिर हम ऐड करेंगे 8600। सेकंड लास्ट जो होगा हमारे पास 5500 कर लेते हैं इसको और लास्ट वन को हम ऐड कर लेते हैं 2500। तो ये अमाउंट भी मैंने अपने पास से लिखा हुआ है ताकि ये कि जब हम इसकी ग्रेड और रैंकिंग के ऊपर हैं तो आप अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। और इसको जो है यहाँ पर कवर करने के लिए मैं इन दोनों को जो है यहाँ पर कॉमा वैल्यू के अंदर चेंज कर दूंगा ताकि थोड़ा सा इस तरीके से जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो इसमें जो अप्लाई हो जाए। बाकी फॉर्मेट जो होगा वो आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर लीजिएगा जिस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करके इसका जो आउटसाइड बॉर्डर है, थिकनेस बॉर्डर, वो इस तरीके से जो है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है वो ग्रेड फार्मूला, यानी ग्रेड आप कैसे निकालेंगे। अब ग्रेड के लिए जो होता है हम यहाँ पर अपना स्टेटस भी कह सकते हैं इसको और अपना जो है वो फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ग्रेड के लिए जो होता है यहाँ पर आप चाहे तो इसको स्टेटस कर लें और इसके अंदर जो है यहाँ पर आप लगाएंगे इफ़ कंडीशन फार्मूला। इफ़ कंडीशन फार्मूले की मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल्स में जाकर। तो मैं यहाँ अगर आपको दिखाता हूँ तो आपको यहाँ मिल भी जाएगी ईजिली। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हुआ नीचे आऊँगा तो आपको जो है वो इनिशियली बहुत ईजिली यहाँ आपको मिल जाएगी। तो एक हमारी वीडियो यहाँ आपको नज़र आ रही है इस वक्त जो इफ़ कंडीशन जो है फार्मूला वो किस तरीके से अप्लाई होगा, तो इस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप वैसे ही अगर यहाँ फाइंड करना चाहें तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो वीडियो जो है इसके ऊपर जो हमने बनाई हुई है
तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल फार्मूले के नाम से, जिसमें इफ़ एंड और तमाम कंडीशन जो है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सर्चिंग के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, एंटर कर दें, तो आपको जो है वो इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको दिखाया था, ये देखें, इसको जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो वीडियो भी आपके सामने आ रही है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं तो लॉजिकल फार्मूला वाले वीडियो भी आपके सामने आ रही है। तो इस तरीके से आप वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखने का मकसद यही है कि जब तक आप हमारे पिछली वीडियोस के कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि उसमें हर एक वीडियोस में नया कॉन्सेप्ट और नई लॉजिक होती है। तो अब चले हम निकालते हैं यहाँ पर जो है स्टेटस। तो इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल इफ फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा, अगर आपका अमाउंट ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है किससे ग्रेटर होता है, अब यहाँ आप चाहें तो इसमें इक्वल कंडीशन भी लगा सकते हैं या जस्ट आप ग्रेटर में भी छोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो हम यहाँ पर देंगे अगर आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर अगर ग्रेटर होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा, किससे, 7000। तो अभी हमने एक लिमिट रखी हुई यहाँ पर कि आपके अमाउंट की जो लिमिट होगी अगर वो 7000 से ग्रेटर हो जाती है तो आपके पास जो आपकी कोटेशंस के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, तो कोटेशंस के अंदर हम दे देंगे यहाँ पर तो इधर हम ऐड करते थे गुड कोटेशन क्लोज कॉमा, फिर हम बनाएंगे इफ कंडीशन दोबारा बनाएंगे, अगर आपकी जो अमाउंट है वो ग्रेटर होती है किससे, 4000, 4000 की हम कंडीशन बना लेते हैं कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास आ जाए एवरेज कोटेशन क्लोज कॉमा, और फॉल्स कंडीशन के अंदर हम दे देंगे यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर पुअर, तो कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक और आपने दो ब्रैकेट क्लोज कर लेने हैं। अगर 7000 से ऊपर की जो है अमाउंट चली जाती है तो आपका स्टेटस बताएगा कि गुड है, अगर 4000 से ऊपर जा रही है आपकी अमाउंट तो आपका स्टेटस बताएगा कि एवरेज है, अगर 4000 से नीचे हुई तो वो आपको बता देगा कि आपकी जो कंडीशन है, स्टेटस है वो पुअर है, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुअर कंडीशन बना ली। इसको हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ भी आपके पास आ चुका है 6000, क्योंकि 7000 से ऊपर नहीं है, 7000 से नीचे, तो एवरेज की कंडीशन यहाँ पर बता रहा है। अब हम इसको करेंगे ड्रैग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बता रहा है 8500, क्योंकि 7000 से ऊपर जा रही है तो यहाँ बता रहा है गुड, 9000 बता रहा है गुड, और अगर पुअर के ऊपर हम देखते हैं तो 4000 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुअर यहाँ पर आपको बता रहा है, 2500 के ऊपर पुअर बता रहा है, 7500 पे गुड बता रहा है। तो ये तो हमारा आगे इस तरीके से एवरेज यानी कि स्टेटस निकल गया कि आपका जो है वो अमाउंट है वो क्या क्या दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से जो स्टेटस बन रहा है वो हमने निकाल लिया। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें बॉर्डर वाइज, और इसके अलावा अगर यहाँ फॉर्मेट देना है तो फॉर्मेट भी दे सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इन सबको, कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाएं और यहाँ आपके पास है हाईलाइट सेलूल, और इधर देखें यहाँ आपके पास है टेक्स्ट दैट कॉन्टेन। अब यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गुड लिखा हुआ है तो वहाँ वहाँ आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से आप फॉर्मेट बने बनाए भी उठा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, तो अगर कस्टम में जाएंगे तो कस्टम में जाके आप खुद से जो है वो फॉर्मेट बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ग्रीन कर दिया और दोबारा से हमने सेलेक्ट रखना है इसको, और हाईलाइट सेलूल में जाके टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट में जाएंगे, और अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एवरेज। तो एवरेज के लिए जो है वो यहाँ पर मैं येलो कलर्स को जो है वो इस तरीके से हाईलाइट करवा लेता हूँ और इसको ओके कर दूंगा, और लास्ट वन जो हमारा रह गया यहाँ पर दोबारा से हम टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट्स में जाएंगे, और अब यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे पुअर, और पुअर को हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से रेड से हाईलाइट रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से फॉर्मेट आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब देखें जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी अमाउंट को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1000, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो आपकी जो फॉर्मेट है वो अपडेट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर रैंकिंग। अब रैंकिंग के हवाले से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल किसकी है, तो उसका क्या रैंक बन रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसके लिए यहाँ आप अप्लाई करेंगे फार्मूला इक्वल रैंक, आपने फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर आपके पास नज़र आए स्क्रीन पर। नंबर्स के अंदर सबसे पहले आप देंगे ये वाला नंबर्स, आपने इस नंबर का रैंक मालूम करना है कॉमा, अब आपसे पूछेगा रेफरेंस, आपको ये नंबर्स किस रेफरेंस से निकालना है, यानी कि वो तमाम रेफरेंसेस हैं जो पार्टिसिपेट हैं, यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि सेल्समैन हैं ये पार्टिसिपेट हैं, तो आप रेफरेंस के अंदर यहाँ से इस सेल्स के साथ पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपने इसको F4 से लॉक कर देना है, और फिर आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और अब आप जैसे इसको करेंगे इंटर तो आपके पास आ चुका है यहाँ पर रैंक कि जो इस सेल्समैन का जो रैंक बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। आप जैसे इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखें यहाँ पर आपको बता रहा है फर्स्ट, यानी कि सबसे हाईएस्ट सेल किसकी जा रही है, 9000 यानी कि काशिफ की, तो 9000 से आपको ऊपर का जो अमाउंट नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखें इसको फर्स्ट रैंक दिखा रहा है। सेकंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका बता रहा है, तो
तो ये है 8600, तो 8600 सेकेंड रैंक बता रहा है। थर्ड पे आते हैं 8500, और फोर्थ अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7500, फिफ्थ अगर हम देखते हैं 6000। तो देखें इस तरीके से क्या हुआ कि हमने जो है वो इनका रैंक भी देख लिया कि टॉप क्लास का जो है टॉप पे सबसे ज़्यादा कौन जा रहा है और लोएस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन जा रहा है, वो तमाम रिकॉर्ड जो हम इस रैंक की फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एक सेल्स रैंकिंग निकाल सकते हैं सेल्स मैन की। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।